मारुति का 7300 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया है अराउंड 311 के आसपास। अगर यहाँ पर चार्ट देखे तो ये जो 7300 का पुट है, यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई जो मिल रहा था उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था, तो इसका 100% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ है 312 के आसपास। तो यहाँ पर 311 के आसपास ये शॉर्ट कर दिया मारुति का पुट। देखते हैं कहाँ तक जाता है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और इस लेवल के आसपास 295 अदरवाइज 281 जैसा प्राइस एक्शन बिहेव करेगा उस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। और आगे क्या होगा उसका अपडेट करेंगे। गाइज यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है अराउंड 290 के आसपास, 2100 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था 311 के आसपास मारुति का 7300 पुट ऑप्शन, और अभी यहाँ पर 290 के आसपास बाय कर लिया है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ किया था 100% के लेवल के आसपास, हो सकता था रेजिस्टेंस फेस करे, 2000 का स्टॉप लॉस रखा था और अभी एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है। तो आगे कुछ ट्रेड्स मिलते हैं तो अपडेट करेंगे गाइज। एक और एक क्विकली ट्रेड मिला था कोलगेट में, डेज हाइस पे चल रहा था कोलगेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 71 के आसपास शॉर्ट कर दिया और एक क्विकली 69 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, 1400 का प्रॉफिट यहाँ पर बना। अगर चार्ट को देखे तो डेज हाइस पे ट्रेड कर रहा है अभी, और फिबोनाची एक्सटेंशन को यहाँ पर ड्रॉ किया था मैंने, एक सेकेंड, ये बाकी के थोड़े ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अराउंड फर्स्ट टुडेज हाईज लगाया था, वहां से एक फॉल आया था, एक लॉन्ग रेड कैंडल बना था यहाँ पर। तो उसी लेवल के पास फिर से एक बार कोलगेट का 1600 का कॉल ऑप्शन, वहां पर फिर से एक बार उसी लेवल के आसपास आ गया था, तो 71 के आसपास शॉर्ट कर दिया था और एक क्विकली प्रॉफिट बन रहा था 1400 का, तो बुक कर लिया। ये है यहाँ पर कोलगेट, 71 पे शॉर्ट कर दिया और 69 पे बाय कर लिया। तो ये क्विकली ट्रेड मिला था, लाइव ट्रेड शूट करने का मौका नहीं मिला, एक चांस मिल रहा था तो क्विकली एक ट्रेड यहाँ पर ले लिया। तो आगे और भी अगर ट्रेड रहेंगे तो अपडेट करेंगे। कोलगेट में गाइज और एक अच्छा सा ट्रेड मिला, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है कोलगेट में। तो यहाँ पर इसने 250 के लेवल के बाद 300 के लेवल को भी अचीव कर लिया, तो 77.5 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था और 76 के आसपास यहाँ पर बाय भी कर लिया। तो कोलगेट का अभी एवरेज प्राइस हो गया, दो लॉट शॉर्ट कर दिया, तो उसका एवरेज सेलिंग प्राइस बन रहा है 74.25 और बाय प्राइस बन रहा है 72.5। 2450 का कोलगेट में प्रॉफिट बना और मारुति में भी 2100 का प्रॉफिट बना, तो काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हुआ है 4550 का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आगे भी ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।